नुकसान कितने का हो चुका होगा सर एक्चुअली मेन पूरे बिल जल गए हैं जी सर उसका मोबाइल जल गया सब चीज़ जल गया तो सर मैंने देखा नहीं है कितने का था लेकिन मान के चलिए लाखों के यहाँ नुकसान भी हो गया ट्रक के अब हालात देख सकते हैं नंबर प्लेट तक इसमें अभी समझ नहीं आ रहा है ट्रक जो है वो नंबर प्लेट शायद ये है देख लेते हैं तो भी लेकिन ये हमारा नहीं है बोले रोड वालों का कहना था हमारा नहीं है लाइट वालों का है तो लाइट वालों को लाइट ऑफिस में बोले तो ये हमारा नहीं है ये ऊपर है कोरबा से लाइन आती है पर इसके लिए इन लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए तस्वीर में जिस आप खाक हो चुकी ट्रक को देख पा रहे हैं ये ट्रक जो है बड़े हादसे का शिकार हो चुका है तमिलनाडु से होकर सीधे जो ये ट्रक है वो आ रही थी छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के बोरई गांव में जहां पर फटाके से भरी हुई ट्रक को अनलोड करना था और आप इस ट्रक की हालत देख सकते हैं हादसे के कारण हम आपको बताएंगे लेकिन ट्रक की हालत आप देख सकते हैं कि इस ट्रक में अब देखने लायक कुछ भी नहीं बचा है सब कुछ जल कर राख हो चुका है क्योंकि फटाके जो इसमें लोडेड थे वो इतने पूरे फटाके जो हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीके से एक हादसे का रूप लेकर पूरे ट्रक को जला दिए हैं हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जो वाहन चालक जो ड्राइवर थे तमिलनाडु से आ रहे वो यहाँ पर सेफ़ हैं उन्हें कुछ हादसे में वो नहीं आ पाए ये एक अच्छी बात है लेकिन आप इधर देखेंगे खेतों की तरफ भी जो है पूरे फटाके के आग सामने पेड़ आप देख पा रहे होंगे जिस ये जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं ये वो टाइम है ढाई बजे का और साढ़े ग्यारह बारह बजे की घटना है फिर भी अभी तक आप ये आग देख सकते हैं काफ़ी दर्दनाक तरीके से यह हादसा हुआ है पूरे फटाके जो शादी सीजन के लिए तमिलनाडु से यहाँ पर लाए जा रहे थे ये एक तरफ की खेत की बात है जहाँ पूरे आग लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरे फटाखे के छिलके जो ब्लास्ट होकर अलग अलग फटाके जो आते हैं पावरफुल फटाके जो शादियों में यूज़ किए जाते हैं वो उस पर जाकर फूटे हैं अब इसका कारण आपको बता दें हमने जो जिनके यहाँ पर जिनके गोडाउन में ये फटाके अनलोड होने थे हेमंत जी उनसे भी बातचीत की है उन्होंने कारण बताया है कि जब ये रोड का निर्माण हुआ आज से करीब दो ढाई साल पहले तब ये हाई टेंशन आप सामने देख पा रहे होंगे जो यहां से पास हुई है रोड के ऊपर से इनकी हाइट ठीक थी लेकिन रोड बनने के बाद जो इसकी हाइट है महज काफ़ी कम है जब यहाँ से ट्रक गुजरते हैं बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन गुजरते हैं फार्मर्स के और साथ ही स्कूल बसेज बच्चों के गुजरते हैं तो ये काफी रिस्की हो जाता है अभी तक इसे बिजली विभाग वाले जो हैं वो नज़रअंदाज करते आ रहे थे लेकिन आज जो है ये घटना देखने के बाद उन जिम्मेदार अधिकारियों की आँखें खुलनी चाहिए जो इन रोड को बना रोड को बनाने के बाद जब बिजली को जो पोल है उसे ध्यान देने की जरूरत थी तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके चलते जो आप ये सामने हादसा देख पा रहे हैं काफी बड़ा हादसा आज जो है दुर्ग जिला में 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 गांव हुआ है हादसे किसी की जान नहीं गई है ये अच्छी बात है लेकिन जान जा सकती थी इतने बड़े दुर्घटना में आपको ट्रक की हालत में दिखा देता हूं जिसे आप देखेंगे तो यह लगेगा कि यह खौफनाक मंजर है क्योंकि यहां पर कुछ भी ट्रक में नहीं बचा है आज से दो दिन पहले डेढ़ दिन पहले भी जो है छावनी में ऐसे ही एक हादसा हुआ था जो लापरवाही का कारण था और आज भी जो यह हादसा हुआ है वो भी एक लापरवाही का कारण है हमने हेमंत जी से बात की है पूरी जानकारी ली है कि ट्रक में क्या क्या सामान लोड थे ट्रक कहाँ से कहाँ आ रही थी और ट्रक में जो आ, किस कारण से फटाखे यहाँ आ रहे थे उन्होंने बताया कि शादी सीज़न है तो फटाखे तमिल से इधर ले आया जा रहा था काफ़ी लाखों के यहाँ नुकसान भी हो गया ट्रक की आप हालात देख सकते हैं नंबर प्लेट तक इसमें अभी समझ नहीं आ रहा है ट्रक जो है वो नंबर प्लेट शायद ये है देख लेते हैं भी लेकिन फटाके में जलकर खाक हो गया है और काफ़ी खौफनाक मंज़र है कुछ भी नहीं बचा है दोनों साइड से जो है खेतों में भी आग लग चुकी है पेड़ों में अभी तक आग लगी हुई है बाकी हमने पूरी बातचीत की है आगे, आगे आप देखिएगा कि जिनके यहाँ फटाके साथी फायर हेमंत जी का ये गोडाउन है जहाँ पर यह फटाके जा रहे थे उन्होंने क्या कुछ जानकारी बताई है बाकी हम जो यहाँ के चौकी है वहाँ से भी पुलिस ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर सामने जिस ट्रक को आप देख पा रहे हैं ये ट्रक जो है फटाके से लोड थी और साउथ से ये बोराई गनियारी की तरफ आ रही थी हेमंत जी हमारे साथ में है जहाँ पर जिनके गोडाउन में ये फटाका अनलोड होना था सर ये क्या कुछ हुआ है और कैसे जो पूरा हादसे का बारे में पता जानकारी आई है ये सर शिवाकासी तमिलनाडु से फटाका अभी शादी सीजन के लिए आ रहा था आते-आते रस्ते आते में जो हाई टेंशन लाइन गई है बड़े खंभों वाली वो बहुत नीची थी और उस कारण से ड्राइवर का कहना ड्राइवर साथ में है और वो गाड़ी को खींच लिया तो टायर फटे और फिर टायर फटा टायर फटने के बाद में फिर आग पकड़ ले तब तक इन लोग कूद गए और आपके सामने पूरा है मेरा इसमें बहुत नुकसान हो गया है मैं इसमें दोषी रोड वालों को और ये लाइट वालों को हाई टेंशन लाइट वालों को मानता हूँ आव... जब ये रोड बन रही थी तब भी मैंने उनको रोड वालों को कई बार बोला हाई टेंशन लाइन नीचे हो रही है ए, इसमें कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है अभी बीच में वो धान काटने का जो हार्वेस्टर मशीन आती है उसको हम लोगों ने कई बार रोका कि आप टकरा जाएंगे उससे तो उन लोग फिर दूसरे रास्ते से गए क्योंकि ये कब हमेशा दुर्घटना के लिए जैसे आप देखें कितने फिट में बारह फिट तेरह फिट में ये लाइन है जी यानी कि आज ये हादसा हुआ ये पहली दफ़ा नहीं है ऐसे हादसे और हो चुके हैं होने, संभावना यहां आ, होने की संभावना यहाँ हो पर होने की संभावना हुए आप भी सर के बिल्कुल होने की संभावना है आप खुद चल के वीडियो में देख लीजिएगा सर ट्रक में कितने थे ड्राइवर के साथ में और कोई था ड्राइवर अकेला था ड्राइवर अकेले थे, ही रहे थे हाँ 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 साउथ तमिलनाडु से ठीक है सर और कितने का इसमें अगर देखा जाए सर नुकसान कितने का हो चुका होगा इसमें सर एक्चुअली मेन पूरे बिल जल गए हैं जी सर उसका मोबाइल जल गया सब चीज़ जल गया तो सर मैंने देखा नहीं है कितने का था लेकिन मान के चलिए बीस तीस पैंतीस लाख रुपए के आसपास बनता है जी यही हाई टेंशन uh, लाइटिंग की बात कर रहे हैं जो गई हाँ, हुई है हाँ आप खुद देखिए सर ये हाई टेंशन लाइन गई है और जो ट्रांसफार्म के लिए लाइट आती है उसने देखो कितने नीचे तक कर दिया सर जी आप देखिए आप हाथ से छू सकते हैं ये इस लाइन तक आ गई है इसके लिए कई बार कंप्लेंट की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक ये रोड का निर्माण कितने समय पहले हुआ है अभी दो साल पहले हुआ है दो साल पहले तब भी आप लोगों ने कुछ बात दो साल हाँ रखी थी बात रखी थी ये हमारा नहीं है बोले रोड वालों का कहना था हमारा नहीं है लाइट वालों का है तो लाइट वालों को लाइट ऑफिस में बोले तो ये हमारा नहीं है ये ऊपर है कोरबा से लाइन आती है सर इसके लिए इन लोग कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए फिर तो मैं बोला आप लोग कैसे लाइन लाओगे बोले हम ला लेंगे लाइन तो देखो सर उन लोगों ने उतना नीचे से करके लाइन लेके आए हैं ये घटने की सूचना कब मिली सर आपको कब यहाँ पर जब आग लगी गाड़ी में फटाके जब फुटने लगे लगभग साढ़े ग्यारह बजे के आसपास जी दिन में तत्काल आप यहाँ से गोडाउन कितना दूर होगा गोडाउन गो लगभग लग तीन सौ मीटर पाँच सौ चार सौ मीटर हाँ पास में है हाँ जी फिर हजार बारह सौ फीट के आसपास था जी ठीक है सर और कितने फायर एक्सप्रीशर वगैरह लग गए यहाँ पर आने के लिए दो दो में और कुछ क्या कहना चाहेंगे सर बिजली विभाग के लिए क्योंकि हाई टेंशन रोड काफी गर्मी के सीजन में ये नीचे आ जाता होगा और हाँ सर काफी नीचे है, आप देखिए सर कितना नीचे है जी हाई टेंशन को ऊपर किया जाए इसको हाई टेंशन को तत्काल ऊपर किया जाए जिससे और जन ना हो सके कोई सर कोई बस भी गुजरती और ऐसा होता तो सर कितना बड़ा घटना हो जाता बड़ी हादसे होने के चांस थे हाँ जी सर आज हम बहुत दुखी है हमारा पूरा माल जल गया पूरा ट्रक जल गई और इसको मैं शासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी ऊपर कराया जाए और हमारी इन विभागों से रोड के विभाग से और लाइट वाले विभाग से हमारी क्षतिपूर्ति करवाई जाए ठीक है सर साउथ में कहाँ से ये लोड हो क्या शिवा शिवाकाशी तमिलनाडु विनायका सोनी फायर जी ठीक है सर जैसा आपने हेमंत जी से सुना जिनके यहाँ तमिल से जो है फटाके से भरी ट्रक जो है गनियारी और बोरे के पास आ रही थी और ये हाई टेंशन की वजह से ट्रक में जो है आ स्पार्क होने की वजह से एक्सटेंशन की वजह से वो पूरे ट्रक में आग लग जाती है और जो फटाखे हैं वो पूरे ब्लास्ट हो जाते हैं हेमंत जी से पूरी बातचीत हुई है जो फायर शॉप के ओनर हैं और इन्हीं के यहाँ पर जो है अनलोडिंग होनी थी बाकी आप ये मंजर देख सकते हैं काफ़ी ये दुखद है और काफ़ी नुकसान भी इसमें हुआ है और इनका कहना भी है कि अगर ये रोड और ये हाई टेंशन को इम्प्रूवमेंट ना किया जाए तो आने वाले समय में यहाँ से बसें भी गुजरती हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनके बड़े बड़े हारवेस्टर मशीन भी यहाँ से गुजरती है तो बड़े हादसे होने के और चांसेस हैं आप देख सकते हैं आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ की शायद कुछ भी इस ट्रक में अब नहीं बचा है अब ये पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है हाँ, ट्रक फटाका भी पूरा खत्म हो कि खेतों की तरफ पूरे जो फटाके हैं सर फटाके भी काफी अच्छे अच्छे जो बड़े ब्रांड के होते हैं सारे चीज होंगे जी फटाका थे काले के होंगे ऐसे वाले फटाखे शादी सीजन के लिए शादी हाँ, सीजन के लिए जैसे सर अभी कुछ उसके लेबल वगैरह इधर उधर बिखरे हुए हैं हैं जी वो खेत पे पूरे नजर आ रहे ये हाँ। ये प्रकार से ये हुआ है और ये बाजू वाले खेत में भी उनकी फेंसिंग जल गई और जो पानी के लिए ड्रिप लाइन देते हैं वो भी जल गई मेरा खेत है जी आपका खेत है आपको भी जानकारी साथ में ही मिली साढ़े ग्यारह बजे फटाखा की ट्रक भरी हुई फूटने लगी दो किलोमीटर तक आस पास पास में रहता हूँ आधा किलोमीटर उस फटाके के फूटने से मेरी पूरी बाउंड्री जल गई और करीब दो लाख का ड्रिप इरीगेशन का पाइप जल गया जी। तो इसकी हानि पूर्ति के लिए मैं किसी से क्या कहूँ केवल हाई टेंशन तार रोड वाले को भी दोषी मानता हूँ तो अपील भी शायद करते अपील आ रहे सर हमेशा किए अपील कि इस लाइन को ऊपर किया जाए कोई ना कोई घटना हुई बसे चलती हार्वेस्टर आता है पूरी बाउंड्री जल गई सर आप जो बच्चों की बसें आती हैं चार स्कूल बसें भी गुजरती हैं और हाई टेंशन मात्र बारह फीट होगा सर जी। कर्प जमीन, जमीन, जमीन से बारह फीट होगा ऊपर हाई हाई टेंशन टेंशन है जो बड़े पोल वाला हाई टेंशन जो हाँ हाँ एक जो कोरबा से लाइन आती है दूसरे प्रदेशों के लिए सप्लाई होती है उसकी बात कर रहा हूँ जो लगभग बारह फीट के आसपास पास होगी इससे बहुत बड़े हादसे होने की संभावना नहीं है जानवान की क्या तो नहीं। या फिर यात्री करने वाले जो बसेस होते हैं लोकल बस वो लगातार यहाँ से गुजरते रहते हैं ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी जांच जरूर एक बार हाई टेंशन और जो जिम्मेदार इनके अधिकारी उनको इस चीज को आकर ये जमीनी रूप से देखनी चाहिए बाकी आप देख सकते हैं कि एक नजरअंदाज किसी चीज़ को करने से कितनी बड़ी घटना हो सकती है ट्रक जो पूरे फायर वर्क से लोड होकर आ रही थी इसमें कुछ नहीं बचा है अब और हेमंत जी से पूरी बातचीत हुई है आप वीडियो में ज़रूर सुनिएगा और इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर आके जरूर एक बार हाई टेंशन की जाँच करें कि इसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि जमीन से जो इसकी हाइट है काफ़ी कम है और जब गर्मी का समय आता है तो हाई टेंशन वायर थोड़े नीचे आ जाते हैं और उससे गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसको स्पार्क लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जिससे

और कितना जोर से ये ब्लास्ट वगैरह हुआ है हाँ नो प्रॉब्लम सर आज रखाद से हुआ है फायर पटाके से मेरी क्या कुछ पूरा मामला है पुरे? ये शिवाकाशी तमिलनाडु से लेकर बाराचक्का ट्रैक में अलग-अलग प्रकार का पटाका लेके ले बोराई रोड में उनका क्या बोलते हैं हेमंत जैन है पिता कोमलचंद जैन दीपक नगर वाले का पटाका का गोदाम है है ना साथी फायरवर्क्स के नाम से तो ये जो है आज वहाँ फटाखा गोदाम ला रहे थे और ड्राइवर जो है अकेला था उसमें ट्रक में और हाई टेंशन तार है उस रोड में तो हाई टेंशन के तार के संपर्क में आने से पूरा ट्रक जो है जल के खाक हो गया और उसमें भरा जो फटाखा है वो भी जल के खाक हो गया बिजली तो विभाग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सरकार आ, नहीं बिजली विभाग एक लिमिट उसमें अपना हाइट में लगाते हैं तार को अब ये तो जांच का विषय है कि किसका गलती है कितना हाइट में होना चाहिए और है कि नहीं है ये जांच का विषय है और उसको अपन जांच में करते करते पाएंगे फिर क्या किसका गलती है तो उसका फिर कार्रवाई करेंगे फिर